हम करोल बाग के अंबेडकर बस्ती में हैं और यहीं बगल केशव कुंज है जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो आरएसएस का कार्यालय है, वहाँ पे उससे सटा हुआ है ये अंबेडकर बस्ती। और यहाँ पे क्या है, झुग्गी कैंप में पोलिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ पे वोट पड़ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ वोटर हैं, उनसे बात करेंगे। आपने वोट दे दिया? हाँ, हम तो डाले हैं। किस मुद्दे पे वोट पड़ रहा है इस बार, क्या लग रहा है आपको, दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया या केंद्र सरकार ने अच्छा काम किया? सब ने अच्छा करा है भाई। हाँ, यहाँ कोई नेता काम नहीं करता। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम बतेरी है। तो क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने काम किया है, कांग्रेस ने इससे पहले काम किया? कांग्रेस जी ने तो बहुत काम किया था। अच्छा, और अब करे केजरीवाल जी, और बाकी झूठी बात है सारी। अच्छा, तो केजरीवाल ने कौन सा अच्छा काम कर दिया? बहुत अच्छे काम करे, बच्चों के स्कूल में सुविधा कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मरीजों के लिए सुविधा कर रहे हैं, और अब झुग्गी झोपड़ी के लिए भी सुविधा करेंगे। झुग्गी झोपड़ी के लिए भाजपा कर रही है कि दो दो कमरे का कुछ ही नहीं, ये तो पहले भी मिल चुका था, सब कुछ मिला, चाबी अभी तक नहीं मिली। कहते बातें सब करते हैं, देता कुछ नहीं है। केजरीवाल पे ज्यादा भरोसा है? हाँ, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। पानी बिजली माफ और किराया, हमारा बत्ती का बिल भी जीरो बैलेंस कर दिया, पानी भी कर दिया, और आने वाले टाइम में हमें केजरीवाल ही प्लेटों में बिठाएगा। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? विजय। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब केंद्र सरकार के काम पे आप वोट दे रहे हैं, दिल्ली सरकार के काम पे? राज्य सरकार के, दिल्ली सरकार, जो हमारे केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्या बढ़िया काम? देखो सर, इन्होंने एक तो बस महिलाओं के लिए सेंटर प्राइज से, और दूसरी बात बच्चों के स्कूल एजुकेशन, ठीक है सर। मेरे बच्चा था EWS, उसी टाइम EWS कोटा कोटा ना सर, उस पर मिलता था डोनेशन पे, आज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है। राजेंद्र प्लेस का, राजेंद्र प्लेस एरिया है, वहाँ का सबसे टॉप एंड टॉप स्कूल जगदीश टाटलर है, उसमें पढ़ रहा है, जाओ जाके देख लो। दूसरी बात, बिजली जीरो है, कहने जीरो है, बस आज तो जीरो है, आने वाले फ्यूचर में भी जीरो रहेगा हमारा। कोई इफेक्ट नहीं सर, कोई नहीं, कोई इफेक्ट नहीं सर, जिंदाबाद, कोई इफेक्ट नहीं सर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, केजरीवाल, जिंदाबाद। ये शाहीन बाग का भी मुद्दा काफी चल रहा है, क्या वो प्रभावित नहीं कर रहा? वो भी करेंगे, वो भी आए हुए भी करेंगे, वो भी लोकसभा चुनाव में किसको वोट दिया था? केजरीवाल, भी केजरीवाल भी जीता था, यहाँ से भी केजरीवाल ही जीतेगा। कांग्रेस ने राज किया, कोई सुविधा नहीं मिली हमें, जो 5 साल में केजरीवाल सरकार में सुविधा मिली हमारे बच्चों की, हॉस्पिटल की, और क्या नाम स्कूलों की, पानी, रूम, सब बिजली का सब सुविधा हमें 5 साल में मिला, जो 14 साल कांग्रेस राज किया वो सुविधा हमने नहीं मिली। कांग्रेस और बीजेपी का एक बता दीजिए, वीरेंद्र, वोट दे दिया? वोट अभी नहीं डाला। यही वोटर है? कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर रहते हैं। कहाँ पे? 350। 350 का अंबेडकर बस्ती? हाँ, अंबेडकर बस्ती। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? ये झाड़ू वाला, केजरीवाल। झाड़ू पे क्यों देंगे? क्यों, हमको फायदा है, जब भी तो हम डाल। क्या फायदा है? सारा ही फायदा है, बिजली का बिल जीरो आ रहा है, सड़क है, सीवर सब कुछ सारा करा है, और स्कूल में भी सारा व्यवस्था है। बीजेपी करेगी, हम भी योजनाओं को लागू रखेंगे, फ्री सब मिलेगा, और भी ज्यादा हम देंगे। बीजेपी वालों ने जब से राज किया, जब से कुछ नहीं करा, पहले उन्होंने करा, तो अब कराएंगे। लोकसभा चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? लोकसभा चुनाव में झाड़ू वाले को। झाड़ू वाले को? तो ये अंबेडकर बस्ती के लोग थे जो ज़्यादातर केजरीवाल के सपोर्टर हैं, और उनका कहना है कि केजरीवाल ने बिजली पानी की बेहतर सुविधाएं दी है, और अब बिजली का बिल नहीं आ रहा है, इसलिए हम उनको वोट दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुपम के साथ नवनीत मिश्रा, INS दिल्ली।